बच्चों के सर्वप्रथम गुरु तो माता पिता ही होते हैं। बच्चे अपने जीवन की सबसे पहली शिक्षा तो माता पिता से ही ग्रहण करते हैं। नैतिकता का पहला पाठ भी बच्चे अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, पहली बार स्कूल जाता है, तो बच्चे के जीवन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शिक्षक आते हैं जो उन्हें अलग अलग विषयों का ज्ञान देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते हैं उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हम तो ऐसा लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बल्कि और बढ़ गई है। स्कूल में जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो बच्चों को कितना भी एज ए पेरेंट्स सपोर्ट करें, कितना भी एज ए पेरेंट्स सिखाएं, पर कहीं ना कहीं ये है कि बच्चा जीवन पर्यंत अपने पेरेंट्स से सीखता ही रहता है। और बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, आखिर एक पेरेंट्स के लिए तो वो बच्चा ही रहता है। समझ सकते हैं आप सब मेरी बात को बहुत अच्छे से कि अगर किसी बच्चे की शादी भी कर दें आप, आपके लिए तो बच्चा ही है। अगर आपके बच्चे के बच्चे भी हो जाएं तो भी आपके लिए बच्चा ही है। तो पेरेंट्स की चिंता अपने बच्चे के लिए कभी खत्म नहीं होती है। स्कूल में है तो अच्छा पढ़ाई करे, कॉलेज में है तो अच्छा एजुकेशन लेकर के कोई डिग्री हासिल कर ले, कॉलेज से निकल गया उसके बाद भी अच्छी जॉब लग जाए या अच्छा बिजनेस सेटअप कर ले। और उसके बाद फिर एक चिंता रहती है बच्चे की शादी हो जाए, शादी हो जाए तो भाई ठीक है, परिवार अच्छा चल रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर के पेरेंट्स की इतना जिम्मेदारियां खत्म होती है ना, पेरेंट्स की बच्चों के प्रति चिंता खत्म होती है। सीधी सी बात है, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत व्यस्त हैं, हर पेरेंट्स बहुत व्यस्त हैं, कोई जॉब में है, कोई सर्विस में है, कोई बिजनेस में है, दिन रात हम लगे हुए हैं अपने काम धंधे पे। क्यों? अपने परिवार के लिए। सीधी सी बात है, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए। हम चाहते हैं कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं हमारा बच्चा भी अच्छा पढ़ लिख करके कुछ बन जाए। और इसीलिए सीधी सी बात है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की कामना करता है। और इसीलिए चाहता है पेरेंट्स कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन ले, बच्चा जब कॉलेज जाता है तो पेरेंट्स बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। हमेशा बच्चे के लिए पेरेंट्स को बेस्ट ही चाहिए, बेस्ट से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हेलो व्यूवर्स, मैं इंजीनियर सौरभ अग्रवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर, अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सारे अभिभावकों का स्वागत करता हूं और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि आपने अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए आपने एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चुना है। और एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमेशा और हमेशा अपने स्टूडेंट्स के और उनके अभिभावकों के उम्मीदों पर खरा उतरता आया है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा रिजल्ट कहता है। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इससे पहले आप सबको पता है 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 सीए फाउंडेशन में दे चुका है। और उसके अलावा इतने ऑल इंडिया रैंकर्स हम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से निकल चुके हैं। कहीं से कोई संदेह नहीं है मन में, हमारे एडमिशन लेने वाले को बिल्कुल पता है कि हमने बहुत सही जगह पे अपने बच्चों का एडमिशन कराया, यहाँ हमको बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, बहुत अच्छा हमारे बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन बात यह है कि अभी सिचुएशन चेंज है, अभी हम फेस टू फेस क्लास ले नहीं पा रहे हैं, बच्चे हमारे सामने नहीं है तो हम उनको देख भी नहीं पा रहे हैं। हम बहुत सारी जगह पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए एनालिसिस करना कि बच्चे पढ़ाई कितना कर रहे हैं, कितने आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे द्वारा बनाए गए प्लान शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है कि हम पेरेंट्स से ही गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं, अभिभावकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाइए। अभी बच्चों को उनका कैसा पढ़ाई चल रहा है, किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पढ़ाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही, वो रेगुलर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो टेस्ट वगैरह सारे प्रॉपर दे रहे कि नहीं दे रहे, बहुत सारी बातें हैं जहां पेरेंट्स को थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा वॉच करना पड़ेगा। हम लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं बच्चों के लिए, हमेशा बनाते हैं। जो भी हम प्रोग्राम बच्चों के लिए बनाते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, टेस्ट शेड्यूल बनाते हैं, जो भी जिस तरीके से हम बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, यही एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की खासियत है कि इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को
शेड्यूल करते हैं, इस तरीके से हम प्रोग्राम प्लान करते हैं कि स्टूडेंट का रिजल्ट हमेशा अच्छा आता रहा है। और स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा आने के पीछे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी की मेहनत तो है ही है, लेकिन उतना ही योगदान, उतना ही सपोर्ट पेरेंट्स का भी है। पेरेंट्स अपने बच्चों की एक बहुत बड़ी ताकत है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, पेरेंट्स जो हिम्मत देते हैं बच्चों को, उनसे बच्चा जो कमजोर भी रहता है, अगर थोड़ा कम भी पढ़ाई में वीक भी है, वो भी बहुत अच्छे से मेहनत करके सफलता प्राप्त करता है। मैं सारे पेरेंट्स से अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ आपका सपोर्ट अब हमें थोड़ा और ज़्यादा चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि कितने भी आप अपने काम में बिजी रहें, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में बिजी रहें, थोड़ा समय अपने परिवार के लिए और ऑफ कोर्स बच्चों के लिए जरूर निकालिए। दिन भर में 24 घंटे में जो भी समय आप बच्चों के साथ बिता सकते हैं, उनके साथ बैठिए, उनसे अभी जो पढ़ाई चल रही है एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो उनको पढ़ाई दी जा रही है, जो सर्विस दी जा रही है, उसके बारे में जरूर जरूर बात करिए। मैं आप सबको बता देना चाह रहा हूँ, हम लोग एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो टाइम टेबल बना के दिए हैं बच्चे लोगों को, हमने पूरा एक वीडियो बना के दिया है कि भैया आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे वीडियो लेक्चर देखना है, इतने बजे आपको ये तैयारी करनी है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरा एक शेड्यूल बना के दिया है बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे उस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप भी वो वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में जो हमने शेड्यूल बना के दिया हुआ है, उसको कोई स्टूडेंट्स अपने सुविधा अनुसार थोड़ा एडिट भी कर सकता है। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो शेड्यूल एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा बना के दिया गया है, स्टूडेंट्स आपके बच्चे उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा बच्चों को 24/7 डाउट क्लियरिंग का भी सुविधा दिया हुआ है, यानी इसका मतलब यह है कि बच्चा रात को 2 बजे भी अगर पढ़ाई कर रहा है ना, अगर उसको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो सीधे डायरेक्ट फैकल्टी को अपने डाउट भेज सकता है, और हम जो भी बच्चों के डाउट्स आते हैं उसको एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके डाउट क्लियर करके बच्चों तक सॉल्यूशन भेजते हैं। 24 घंटे के अंदर तो हम लगभग निश्चित तौर पे डाउट क्लियर कर ही देते हैं। हम कभी कभी बच्चों को सॉल्यूशन बना करके डाउट भेजते हैं, कभी कभी हम ऑडियो नोट्स के द्वारा ऑडियो बोल करके हम रिकॉर्ड करके भी बच्चों को सॉल्यूशन करते हैं। जरूरत पड़ने पर बच्चे, अगर लग रहा है कि बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है, तो बच्चा हमें फैकल्टी को, हर फैकल्टी को कॉल करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकता है, या डायरेक्ट फैकल्टी को कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकता है। उसके लिए हमने एक समय निर्धारित किया गया है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक के वो रोज शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच अपने डाउट्स फैकल्टी को डायरेक्ट फोन करके डाउट क्लियर कर सकता है। अलग अलग विषयों के हिसाब से अलग अलग फैकल्टीज ने उस अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है उसका भी सजेशन दिया हुआ है। किसी फैकल्टी ने कहा है कि भाई मेरे सब्जेक्ट की अलग से कॉपी बनाइए, वैसे तो सारे स्टूडेंट्स को ये कहा गया है कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनाइए और अलग अलग नोट्स बनाइए। तो आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि बच्चे प्रॉपर कॉपी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका बच्चा चाहे कॉलेज पहुंच जाए, चाहे सीए करने लग जाए, आप यकीन मानिए आपके लिए छोटा बच्चा ही है। याद करिए वो दिन जब आपका बच्चा पहली बार स्कूल गया था, आपने उनके कॉपी में कवर लगाए थे। छोटा बच्चा है, थोड़ा बड़ा होता है तो आप उसकी कॉपी और बुक्स, कभी बुक फट जाती थी तो आप कहते थे कि बेटा ये संभाल के रखिए। तो आपका बच्चा सीए जरूर कर रहा है, लेकिन आप प्लीज अपने बच्चे का उतना ही ध्यान रखिए जैसे वो छोटा बच्चा था तो उसकी प्रॉपर एक कॉपी का ध्यान रखते थे। आपको बहुत मजा आएगा बच्चों के साथ ये चीज फिर से एक बार जीवन में, एक दोबारा मौका भी मिल रहा है इस बहाने कि अपने बच्चों को वापस, बच्चों के साथ एक बचपना जीने का। तो प्लीज अब एक छोटे बच्चे की तरह बच्चों अपने बच्चों का ध्यान रखिए। जब भी हम कोई टेस्ट लेते हैं, हम लोग दो प्रकार से टेस्ट ले रहे हैं। हम एक वीकली टेस्ट लेते हैं, आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो प्लीज ध्यान रखिएगा। हम बच्चों का वीकली टेस्ट लेते हैं, अलग अलग हर सब्जेक्ट का टेस्ट हर हफ्ते लेते हैं, और टेस्ट के बाद हम यूट्यूब लाइव आकर के उस टेस्ट का एनालिसिस भी करते हैं, जरूरत पड़ने पर उस टेस्ट का सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ जब वो बच्चा टेस्ट देता है तो उसके पूरे मार्क्स भी उनको हम तुरंत भेजते हैं। आप सबको अपने बच्चों के रिजल्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम आप सबके लिए बहुत सारे फैसिलिटीज, यूनिक फीचर्स एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए प्रोवाइड करता है, जिसकी जानकारी हर एक पेरेंट्स को जरूरी होना चाहिए। चैप्टर खत्म होने के बाद हम अक्सर आवश्यकता अनुसार चैप्टर का रिवीजन भी हम यूट्यूब में लाइव आकर के बच्चों के लिए देते हैं। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका बच्चा ये सारे फीचर्स के फायदे उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा इतने सारे फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है,
इन सब का औचित्य तभी रहेगा जब बच्चे इन सारे फैसिलिटीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठाएं, तभी बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा इतने सारे यूनिक फीचर्स अच्छे बच्चों के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, बच्चों के अच्छे रिजल्ट के लिए हम बच्चों तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन अब आपको सुनिश्चित करना है कि बच्चे, आपके बच्चे इन सब का लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। आप सबको पता तो होना चाहिए कि भाई मेरे बच्चे का टेस्ट में परफॉर्मेंस क्या रहा, किस प्रकार से मेरा बच्चा परफॉर्म कर रहा है, उसको पढ़ाई में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं। अगर उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो भी आपको निश्चिंत नहीं रहना है, तो भी आपको उसको शाबाशी देना है। बच्चों के लिए इतना समय निकालना पड़ेगा कि आप उसके मार्क्स के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए उसको शाबाशी दे सके। और अगर बच्चों के मार्क्स किसी कारण से कम आ रहे हैं तो आपके प्यार भरे डांट की उन्हें ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत है, आपके समझाइश की उन्हें ज़रूरत है। क्या पता उसके मार्क्स कम आने के कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है या तो वो पढ़ाई में लापरवाही कर रहा होगा या फिर वो पढ़ाई में लापरवाही नहीं कर रहा है, पर एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए सारे फैसिलिटीज़ का वो शायद ढंग से फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। जो भी कारण हो, आपको उस कारण को जानना है और वो कारण हम तक शेयर करना है। आप सारे पेरेंट्स के लिए हम लोगों ने अलग से एक टेलीग्राम चैनल बना के रखा है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स अभी भी हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए ताकि एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, उनकी रिजल्ट हो, चाहे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाए गए कोई भी प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन हो, या फिर आईसीआई के द्वारा कोई जो इंफॉर्मेशन या नोटिस आते हैं, वो आप सब तक प्रॉपर टाइम टू टाइम पहुंच सके। हम अक्सर देखते हैं कि जो भी हम टेस्ट लेते हैं, चाहे हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ले रहे हैं, चाहे सब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट ले रहे हैं, जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं, वो कुछ बच्चे अटेंड नहीं करते हैं। हमने बच्चों को मैसेज डाल करके ये भी कहा है कि जो बच्चे किसी भी कारण से टेस्ट नहीं दे पाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, तो टेस्ट चालू होने के कम से कम एक घंटे पहले हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एक व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना एप्लीकेशन लिखिए, या पेरेंट्स एप्लीकेशन लिखवाइए, या आप अपना एप्लीकेशन लिख करके पेरेंट्स का सिग्नेचर करा करके वो हमें फोटो खींच करके भेजें। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट भी रहते हैं टेस्ट में और वो हमें इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो एब्सेंट रहते हैं वो तो बिल्कुल हमें एप्लीकेशन प्रॉपर भेजते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा लिए गए सारे टेस्ट बच्चे प्रॉपर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो आपको सुनिश्चित करना है कि वो टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। और आप सबको टेस्ट, अगर बच्चा किसी कारण से टेस्ट नहीं दे पा रहा है, तो आपको एप्लीकेशन लिख करके हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, जो प्रॉपर नंबर आपको दिया गया है। तो आप सबसे फिर से मैं अनुरोध करता हूँ कि एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए टेलीग्राम चैनल, जो पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, सारे पेरेंट्स जरूर उसमें ज्वाइन करिए ताकि आप सबको टाइम टू टाइम सारी जानकारी मिल सके। होता यह है कि हम अपने जीवन में क्लास वन पढ़ें, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और नाइन, टेन, सब जब हमारा ये हम पढ़ के आज बड़े हो गए, आज हम पेरेंट्स बन गए, लेकिन जब हमारा बच्चा वापस क्लास वन में जाता है, क्लास टू में जाता है, तो उनकी किताबें देख करके हमें अपना बचपना याद आ जाता है। जब वो क्लास सिक्स सेवन में जाता है तो हमें उनकी किताबें देख करके हमें अपना स्कूल लाइफ याद आ जाता है कि अरे ये तो मैंने भी पढ़ा था, या ये अरे ये तो नया चीज़ पढ़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि एक पूरा बचपना हम अपने बच्चे के साथ जीते हैं। तो बच्चे के, बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, सीए का कोर्स कर रहा है, तो सीए के कोर्स के बारे में पेरेंट्स को हर एक जानकारी होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो खुद सीए होंगे, जो नहीं भी हैं उन्हें भी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई सीए कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, सीए कोर्स कितने साल का कोर्स होता है, सीए कोर्स किस तरीके से उसके एग्जाम दे सकते हैं, आईसीआई का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। आप सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक डिटेल पता होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो जो फैकल्टी, जो जो टीचर्स आपके बच्चों को अभी जो सीए फाउंडेशन कोर्स में पढ़ा रहे हैं, आपको तो हर एक टीचर के नाम पता होने चाहिए, डिजिग्नेशन पता होना चाहिए कि भाई कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, टीचर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सीए पास करने का क्या क्राइटेरिया है, कितने सब्जेक्ट, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, एग्जाम में आते हैं, पासिंग मार्क्स क्या है, क्या क्राइटेरिया है, ये सारी जानकारी पेरेंट्स को बिल्कुल होनी ही चाहिए। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा बच्चों के निरंतर अभ्यास के लिए, अच्छा परफॉर्म कर सके किसी भी सब्जेक्ट में, इसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार से टेस्ट लेते हैं।
ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे भी टेस्ट लेते हैं, सब्जेक्टिव पैटर्न पे भी टेस्ट लेते हैं, और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया एक यूनिक से फीचर जो है अप्लाई किया हुआ है बच्चे लोगों के लिए, हम लोग पोल टेस्ट लेते हैं। जैसे कि आप सबने देखा होगा केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में ऑडियंस पोल होता था, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग भी बच्चों से टेस्ट लेते हैं। हम क्वेश्चन डालते हैं टेलीग्राम चैनल पे, उसमें चार ऑप्शंस रहते हैं, सारे बच्चे उस पर अपना अपना आंसर जो उनको सही लगता है वो क्लिक करते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो ऑप्शन आंसर क्लिक करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि भाई मैंने जो आंसर क्लिक किया है वो और कितने स्टूडेंट ने क्लिक किया है, कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है, सब कुछ मिलता है। तो आपको इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये है कि पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग मॉक टेस्ट का प्लान करेंगे ऑब्वियसली। तो बच्चों का हम इतना ज़्यादा टेस्ट ले लेना चाहते हैं, हर प्रकार से हम लोग इतना ज़्यादा टेस्ट ले लेते हैं कि बच्चे को एग्जाम फियर, एग्जाम का डर निकल जाता है। जब वो एग्जाम फाइनल एग्जाम में बच्चा जाता है तो उसको लगता है कि अरे ये तो मेरे लिए रोज की बात है। तो ये बहुत सारे हमारे फीचर्स जो है ये बच्चों के अच्छे रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। आप सब सारे पेरेंट्स सारे अभिभावकों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को बहुत गंभीरता से लेंगे, मेरी बातों को बहुत गंभीरता से लेंगे, और लेना भी चाहिए, क्यों ना, हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को जो भी एजुकेशन दे रहे हैं वो हम बहुत अच्छे से दें, तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को जहां एडमिशन कराए हैं वहां जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसके बारे में सारी जानकारी रखें, और किसी भी प्रकार का आप सब आदरणीय अभिभावकों के सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ लिंक्स आपके लिए शेयर करूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप सबसे फिर से एक बार अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पेरेंट्स के लिए बनाए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ऐप आप बिल्कुल इंस्टॉल करिए। इसके अलावा अगर आपको एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में या सब्जेक्ट से रिलेटेड या सीए से रिलेटेड या फैकल्टी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, मन में किसी प्रकार की दुविधा, तो जरूर आप हमें कॉल करिए। बहुत बहुत